हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टू चैनल एमके प्लस पॉइंट। इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर था विद्यार्थी, उसमें आपको स्टार्ट किए थे सॉइल मैकेनिक्स का 14वां मॉड्यूल जो क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। और उस लेक्चर में आपको बताए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको बताएंगे बेसिक कंसेप्ट और फैक्टर्स अफेक्टिंग स्लोप। बेसिक कंसेप्ट में क्या बताएंगे, डेफिनेशन ऑफ स्लोप और मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। और इसमें बताएंगे कि स्लोप को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर्स है। यहाँ देखिए विद्यार्थी, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप जो आपका सॉइल मैकेनिक्स का मॉड्यूल है वो स्टार्ट होता है। आपको बता दें विद्यार्थी कि इस मॉड्यूल में आपको एक टर्म फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना पड़ता है। इसी टर्म के हेल्प से जो है स्लोप का स्टेबिलिटी के बारे में बताया जा सकता है। अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से कम रहता है तो अनस्टेबल स्लोप रहता है, अगर जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी एक से ज्यादा रहता है तो इस कंडीशन में जो स्लोप रहता है इसको स्टेबल स्लोप बोला जाता है, और बराबर एक रहता है तो इसको क्रिटिकल कंडीशन बोला जाता है। इसे विद्यार्थी हम कैसे बता रहे हैं, जब आपको एनालिसिस ऑफ स्लोप स्टार्ट करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में विद्यार्थी आपको स्लोप और स्टेबिलिटी इन सभी का मीनिंग एग्जांपल और कुछ फिगर के हेल्प से आपको बताएंगे। यहाँ देखिए स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में क्या है, स्टेबिलिटी और स्लोप दो वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टेबिलिटी प्लस स्लोप। यहाँ देखिए सबसे पहले हम स्लोप को डिफाइन करते हैं, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के बारे में बताते हैं। स्लोप में क्या लिखे विद्यार्थी, द इंक्लाइनेशन ऑफ सॉइल मास विथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड स्लोप। यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो आपका सॉइल मास एंगल बनाया हुआ रहता है उस एंगल को बोला जाता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है विद्यार्थी ढलान। अब देखिए ये जो आपका सॉइल मास है इसमें आई एंगल आने के कारण क्या है, इसमें ढलान आ गया है। इस ढलान को ही विद्यार्थी क्या बोला जाता है, स्लोप। तो स्लोप क्या है विद्यार्थी, यहाँ हम आपको डिफाइन किए हैं। अब देखिए विद्यार्थी स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप क्या है इसके बारे में बताते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थिरता। अब देखिए इसमें क्या लिखे हैं कि सॉइल स्टेबिलिटी रिफर्स टू कंडीशन ऑफ इनक्लाइंड सॉइल और रॉक स्लोप टू विदस्टैंड और अंडरगोज मोमेंट। यानी कि आपका जो इनक्लाइंड स्लोप रहता है या तो फिर रॉक स्लोप रहता है तो उसको रोकने या तो फिर उसको मोमेंट में जाने के लिए जो कंडीशन रहता है उस कंडीशन को ही बोला जाता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। इसी चीज को विद्यार्थी देखिए दूसरे सेंटेंस में हम यहाँ डिफाइन किए हैं, स्लोप स्टेबिलिटी इज द पोटेंशियल ऑफ सॉइल कवर्ड स्लोप टू विदस्टैंड एंड अंडरगोज मूवमेंट। यानी कि सॉइल जो स्लोप आपका रहता है उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल होता है सॉइल का उसी को बोला जाता है स्लोप स्टेबिलिटी। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं और कुछ फिगर आपको दिखाते हैं, उसके हेल्प से आपको समझ में आ जाएगा कि स्लोप क्या है। एग्जाम्पल में क्या लिखे हैं कि इन राजस्थान माउंटेनियस स्लोप, जो पर्वत में आपका ढलान होता है विद्यार्थी उसी को स्लोप बोला जाता है। उसके बाद क्या लिखे हैं, स्लोप्स ऑफ रोडवेज लाइन एम्बैकमेंट। एम्बैकमेंट क्या है विद्यार्थी, यहाँ हम डिफाइन किए हैं कि इट रिफर्स टू ए वॉल्यूम ऑफ अर्थेन मटेरियल दैट इज प्लेस्ड एंड कम्पैक्टेड फॉर राइजिंग द ग्रेड ऑफ रोड और रेलवे। यानी कि रेलवे लाइन और रोड में जो ग्रेड लाने के लिए आपका अर्थेन मटेरियल प्रेजेंट रहता है उस मटेरियल को ही बोला जाता है एम्बैकमेंट। तो वही चीज लिखे स्लोप्स ऑफ रोडवेज लाइन एम्बैकमेंट। ये देखिए विद्यार्थी आपको फिगर के हेल्प से समझाते हैं कि ये चीज क्या है। यहाँ देखिए आपका क्या है, रोड है, और रोड के बगल में जो आपका ये ढलान आया है स्लोप आया है इस मटेरियल को बोला जाता है एम्बैकमेंट। तो वही चीज लिखे विद्यार्थी कि रोडवेज में जो एम्बैकमेंट रहता है आपका जिस स्लोप पर आपका प्रेजेंट रहता है यही चीज क्या है, एग्जाम्पल ऑफ स्लोप। उसके बाद देखिए विद्यार्थी क्या लिखे हैं, स्लोप ऑफ डैम्स कट कैनाल्स। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं कि स्लोप्स ऑफ एम्बैकमेंट यूज्ड इन रेलवे लाइन। रेलवे लाइन में जो आपका एम्बैकमेंट रहता है जो आपका स्लोप रहता है वो भी एग्जांपल है आपका एक स्लोप का। देखिए विद्यार्थी आपको फिगर के हेल्प से बताते हैं, ये आपका देखिए रेलवे लाइन होता है और इसके साइड में जो आपका मटेरियल रखा रहता है इंक्लाइंड में इस मटेरियल को बोला जाता है एम्बैकमेंट। तो ये देखिए विद्यार्थी आपका एक एग्जांपल है स्लोप का। यही जो आपका मटेरियल रखा हुआ रहता है कितना एंगल पर रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ उस एंगल को बोला जाता है स्लोप। अब देखिए विद्यार्थी ये सब एग्जांपल से आपको स्लोप क्या है समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए विद्यार्थी यहाँ क्या है, ए भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इससे जो है अल्फा एंगल, मान लेते हैं कि अल्फा एंगल पर क्या है आपका रोड प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका क्या है गाड़ी चल रहा है। तो यही जो आपका ढलान आया विद्यार्थी इस ढलान को ही बोला जाता है स्लोप। तो देखिए विद्यार्थी यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप क्या है इसको समझाए हैं, स्लोप क्या है इसको समझाए हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल और फिगर।
उसके बाद देखिए विद्यार्थी नोट में क्या लिखें कि द स्लो ऑफ मटेरियल्स में बी कम्पोज ऑफ नेचुरल रॉक्स एंड सॉइल आर्टिफिशियल फील्ड्स और कम्बिनेशंस, यानी कि आपको यहाँ बोला जा रहा है कि स्लोप में जो मटेरियल होता है विद्यार्थी वो नेचुरल रॉक्स हो सकता है या सॉइल हो सकता है या तो फिर आर्टिफिशियल फील्ड्स हो सकता है। आर्टिफिशियल जो होता है विद्यार्थी एज आवर रिक्वायरमेंट, आपका रिक्वायरमेंट कैसा है उसके अनुसार क्या है वहां पर आपका मटेरियल यूज हो सकता है। यहाँ देखिए आपको ये रिटेनिंग वाल दिखाए हैं और ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इससे जो एंगल पर आपका ये सरचार्ज प्रेजेंट है विद्यार्थी इस एंगल को ही बोला जाता है स्लोप। तो आपको देखिए विद्यार्थी स्लोप और स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए सपोज आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल सरफेस है, आई एंगल पर क्या है कोई स्लोप प्रेजेंट है, तो इसमें देखिए विद्यार्थी क्या क्या चीज होता है। तो आपका जो सॉइल प्रेजेंट रहता है इसका कुछ तो वेट होगा, तो उसके वेट के कारण क्या है नीचे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जिसको डब्ल्यू बोल दिए, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम जी। अब देखिए विद्यार्थी ये आपका क्या है इंक्लाइंड है आई एंगल पर, तो इसलिए क्या है यहाँ पर इसका दो कंपोनेंट टूटेगा, एक डब्लू कॉस आई और एक डब्लू साइन आई। डब्लू कॉस आई को नॉर्मल स्ट्रेस बोला जाता है और डब्लू साइन आई को बोला जाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो आपको ध्यान में रखना है विद्यार्थी कि अगर जो कोई सॉइल इंक्लाइंड रहता है तो उस केस में उसमें दो प्रकार का स्ट्रेस डेवलप होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस जिसको सिग्मा एन से सूचित किया जाता है, एक होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस जिसको टाउ से सूचित किया जाता है। ये जो होता है आपका डब्ल्यू साइन होता है और ये आपका होता है डब्ल्यू कॉस आई। उसके बाद देखिए विद्यार्थी आपको बताते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोप के स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है उसके बारे में यहाँ लिखे। सबसे पहला क्या है वेट ऑफ सॉइल। अब देखिए विद्यार्थी यहाँ पर जो वेट है इसी के कारण ही क्या है टेंजेंशियल आपका स्ट्रेस आया, टेंजेंशियल स्ट्रेस के कारण क्या है सॉइल नीचे की ओर आएगा, वही चीज लिखे हैं वेट ऑफ सॉइल। अगर जो वेट जीरो रहेगा विद्यार्थी इसमें कोई स्ट्रेस ही नहीं डेवलप होगा, यानी कि वेट जितना ज्यादा रहेगा आपका उतना ज्यादा उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा और जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही ज्यादा चांस रहेगा ये मटेरियल आपका क्या करेगा स्लाइड करेगा। वही चीज लिखे सबसे पहले वेट ऑफ सॉइल। दूसरा में देखिए क्या विद्यार्थी स्लोप ऑफ सॉइल मास, यानी कि आपका जो एंगल रहता है इस पर भी इफेक्ट करता है, ये एंगल जितना ज्यादा होगा विद्यार्थी उतना ही ज्यादा चांस रहेगा इसको स्लाइड होने का। अगर जो ये एंगल विद्यार्थी का जो जीरो डिग्री रहता है तो इसमें कोई चांस नहीं रहेगा स्लाइडिंग का, लेकिन जैसे जैसे एंगल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे क्या है इसमें कंडीशन आपका स्लाइड का बढ़ेगा। तो वही चीज लिखे है दूसरा में आपका स्लोप ऑफ सॉइल मास। थर्ड में देखिए क्या विद्यार्थी कोहेशन ऑफ सॉइल। कोहेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो पार्टिकल सॉइल का रहता है वो आपका फोर्स के साथ क्या है बंधा हुआ रहता है, जितना ज्यादा कोहेशन रहेगा उतना ज्यादा क्या है आपका सॉइल पार्टिकल बंधा हुआ रहेगा, वो जितना आपका बंधा हुआ रहेगा उतना ही चांस आपका कम रहेगा स्लाइड होने का, यानी कि स्टेबिलिटी उसका बढ़ जाएगा। उसके बाद देखिए विद्यार्थी आपका क्या है सीपेज फोर्स। सीपेज फोर्स का का मतलब क्या है विद्यार्थी कि अगर जो कोई सॉइल मास प्रेजेंट रहता है और उससे अगर जो वाटर क्या है फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में एक फोर्स लगता है सीपेज फोर्स, उसके कारण भी क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इफेक्ट होता है। उसके बाद देखिए अर्थक्यूक है विद्यार्थी। उसके बाद देखिए आगे क्या आपका इरोजन है। इरोजन जो आता है विद्यार्थी आपका बाइंड और फ्लोइंग ऑफ वाटर के कारण आता है, जितना ज्यादा इसमें इरोजन आएगा उतना ही ज्यादा इसका क्या है फेल होने का चांस रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है ग्रेविटी फोर्स। अभी बताएं कि डब्ल्यू जो होता है ग्रेविटी फोर्स होता है, इसके कारण भी क्या है आपका स्लोप इफेक्ट होता है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी लास्ट में आपका क्या है सडन ड्रॉ डाउन। सडन ड्रॉ डाउन के कारण भी क्या है आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इफेक्ट करता है। ठीक है विद्यार्थी आज का वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे फेलुअर ऑफ स्लोप के बारे में। आज का वीडियो लेक्चर में आपको अगर जो कहीं डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा विद्यार्थी आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास इसे शेयर करें और इसको लाइक भी करें। थैंक यू विद्यार्थी।